हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएस रिव्यू एंड क्रिएटिविटी। तो गाइस, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कुछ नेल पेंट्स का, जो कि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जूस ब्रांड के ये नेल पेंट्स हैं। तो मैंने इसमें 5 शेड्स परचेज किए हुए हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन से हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये शेड्स हैं। और एक ये एक्स्ट्रा मैंने ग्लिटर में ले रखा है। तो आपको मैं बता देती हूँ ये इनके जो शेड हैं इनका क्या नाम है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्लियरली, 351 मस्टर्ड येल्लो ये आपका शेड है। ये है आपका 317 मिंटेंट ग्लोरी, और ये है आपका 366 कॉनकॉर्ड ग्रेप, एंड ये शेड है आपका 4347 लिटिल प्रिंसेस, और ये है आपका 50 कॉटन वाइट शेड है ये वाला आपका। और तो ये है आपका S21 गोल्डन दिवा। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको बता देती हूँ ये अप्लाई करके दिखाती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पर नेल पेंट पे लिखा हुआ है लॉन्ग स्टे। तो गाइज, लॉन्ग स्टे का मतलब है कि ये लॉन्ग टाइम तक आपके नेल पे स्टे होना चाहिए। लाइक जल्दी से होता है ना, एक रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है नेल पेंट, वो नहीं होना चाहिए। और आई थिंक ये इंस्टेंट ड्राई भी होना चाहिए। और देख लेते हैं गाइज, और इसके शेड्स की बात कर लेते हैं कि इसका एक वन शेड आपके लिए सफिशियंट रहेगा या फिर आपको इसके 2 लेयर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट ये वाला जो शेड है ये काफी प्रिटी लगता है, तो अभी इसे दिखा देती हूँ मैं आपको अप्लाई करके। तो ये देख सकते हो इसकी ब्रश की जो क्वालिटी है काफी ठीक क्वालिटी है, थिन क्वालिटी का, ज्यादा थिन क्वालिटी का भी नहीं है और ज्यादा थिक भी नहीं है। तो ब्रश की जो क्वालिटी है ठीक ठाक है। अब मैं आपको फर्स्ट दिखाती हूँ इसके जो फर्स्ट लेयर है वो किस तरीके से वर्क करेगा, लाइक फर्स्ट टाइम में ये कैसे दिखता है इसका शेड। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा लिटिल सा ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है। तो लाइक हमें इसका सेकंड जो लेयर होगी, सेकंड टाइम हमें इसे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी इसका अच्छा शेड निकल कर आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा सा लाइट रह जाता है। जैसे कि देख पा रहे होंगे ये कुछ इस तरीके का शेड है, और इसका जो शेड है वो भी परफेक्टली फर्स्ट टाइम में नहीं दिख रहा है, तो सेकेंड टाइम जब अप्लाई होगा तब अच्छे से दिखेगा। तो वह अभी दिखाऊंगी आपको। अब नेक्स्ट वाला अप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका मिंटेड ग्लोरी, ये वाला कलर आ गया आपका। ये तो गाइस को बहुत ही ज्यादा लाइट लग रहा है अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो अभी इसको भी सेकंड टाइम जब अप्लाई करेंगे तब मैं दिखाती हूँ कैसा दिखेगा ये, क्योंकि अभी इसका भी शेड प्रॉपर निकल कर नहीं आया है फर्स्ट टाइम में। अब आते हैं इस वाले पे। तो बेसिकली गाइस जो सारे शेड है वो भी फर्स्ट टाइम है, उनका कलर इतने अच्छे से शेड निकल कर नहीं आ रहा है। ये भी देखिए बहुत लाइट लग रहा है, तो भी इसको भी ट्राई करेंगे। तो जब ये ड्राई हो जाएगा ना फर्स्ट टाइम वाला, उसके बाद ही हम सेकंड अप्लाई करेंगे इस पे। जब तक बाकी के नेल पेंट्स में अप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, अब आते हैं। अब ये तो व्हाइट कलर है, तो व्हाइट तो मुझे अप्लाई नहीं करना है, तो मैं इसकी जगह पे एक ग्लिटर वाला अप्लाई करके देख लेती हूँ। ग्लिटर कुछ इस तरीके से दिख रहा है गाइस। ग्लिटर भी हम सेकंड टाइम में अटेम्प्ट करेंगे, तो ग्लिटर वाला जो शेड है ये भी सेकंड टाइम में अच्छे से आएगा। अब बचता है ये लास्ट वन।
ये हल्का सा थोड़ा सा डार्क लग रहा है और जितने भी शेड्स हैं उनसे। तो गाइस आप देख जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट वाला है जो फर्स्ट टाइम मैंने इनको सबको लगा लिया है एक बार। अब दोबारा लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ इनका क्या जो ओरिजिनल शेड है वो निकल कर आता है। तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। तो गाइज ये फाइनल लुक देख सकते हो, तो काफ़ी प्रिटी इसके शेड्स हैं। और ये इसका जो प्राइस है गाइज, काफ़ी जेन्युइन प्राइस में ये मुझे मिले हैं। तो ये मुझे 50 रुपीज़ पर नेल पेंट पड़ा है, तो मुझे लगता है प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे शेड्स हैं इसमें। और दूसरा, ये ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, लाइक इंस्टेंट ड्राई तो नहीं बोल सकते, बट फिर भी इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं लेता है ड्राई होने में, थोड़ा जल्दी ड्राई हो जाता है। और शेड्स भी इसके मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो गाइस डेफिनेटली रिकमेंडेड है, अगर आप जाकर परचेज करना चाहते हैं ये वाले नेल पेंट्स तो कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका जो फर्स्ट कोड अप्लाई करोगे उसमें इतना अच्छा शेड निकल कर नहीं आएगा। सेकंड कोड में भी ये देख सकते हो आप, येलो वाला सेकंड कोड के बाद भी हल्का सा ट्रांसपेरेंट टाइप का लग रहा है, सी थ्रू लग रहा है। तो इस पे थर्ड टाइम भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो इसका मे बी डार्क शेड निकल कर आएगा। बाकी नेल पेंट तो देख सकते हो आप, बाकी वाले जो है वो तो सेकेंड टाइम में ठीक से आ रहे हैं। तो गाइज होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।